जिला प्रशासन के कुप्रबंधन के चलते यमुनोत्री हाईवे पिछले 3 दिनों से लगातार बंद है, जबकि गंगोत्री हाईवे 11:30 बजे कुछ घंटों के लिए खुली थी। लेकिन अब यमुनोत्री मार्ग से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ तो ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे बंद हो गया, जिससे दोनों हाईवे पूर्ण रूप से बंद हैं। हाईवे बंद होने से दोनों और गाड़ियों की लंबी कतारें खड़ी हैं और राहगीर सड़क खुलने का इंतजार करते करते अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। आपको बता दें कि मलबा हटा रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि मंगलवार रात को यमुनोत्री राजमार्ग से मलबा नीचे नहीं गिराने दिया जा रहा था, क्योंकि ठीक नीचे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है और ट्रकों से मलबे को दूसरी जगह डंपिंग करना पड़ रहा है, जिस कारण मार्ग खुलने में अभी समय लग रहा है। यदि जिला प्रशासन मंगलवार को पहले यमुनोत्री राजमार्ग का मलबा हटाने के लिए सहयोग करता तो आज दिन तक दोनों राजमार्ग खुल जाते थे। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी गंगोत्री राजमार्ग यदि लंबे समय के लिए बंद होता था तो जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच जाते और युद्ध स्तर पर काम करवाकर राजमार्ग को खुलवा देते थे, लेकिन इस बार देखने में आया है कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद ही नहीं है, जिसके चलते राहगीरों को दो चार होना पड़ रहा है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट।